हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर सकते हैं रिजॉल्व और रिजेक्ट का यूज करके। ठीक है, सो पिछले वीडियो में हम देखा कि जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम्स को क्रिएट कैसे करते हैं, इस वीडियो में देखें कैसे उसको लाइक कंप्लीट करते हैं। सो अब प्रॉमिस हैज थ्री स्टेट। ठीक है, प्रॉमिस में थ्री स्टेट होता है, पेंडिंग, फुलफिल्ड एंड रिजेक्टेड। मतलब या तो पेंडिंग है, मतलब अभी स्टेटस उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, या तो फुलफिल्ड मतलब कंप्लीट हो चुका है, या तो रिजेक्टेड कि उसने नहीं गलत दे दिया, या फिर उसका मतलब कंप्लीट नहीं हुआ प्रॉमिस। द प्रॉमिस यू क्रिएटेड इन द लास्ट चैलेंज इज फॉर एवर स्टक इन द पेंडिंग स्टेट। जो पिछले वीडियो में हमने प्रॉमिस क्रिएट किया था वो हमेशा पेंडिंग स्टेट में स्टक हो गया था, बिकॉज यू डिड नॉट एड अ वे टू कंप्लीट द प्रॉमिस, क्योंकि हमने कोई भी तरीका एड ही नहीं किया कि प्रॉमिस वो कंप्लीट हो सके। द रिजॉल्व एंड रिजेक्ट पैरामीटर्स गिवन टू द प्रॉमिस आर्ग्यूमेंट आर यूज टू दिस। ठीक है, रिजॉल्व और रिजेक्ट पैरामीटर्स का काम ही होता है कि ये इस चीज में हेल्प करें। रिजॉल्व इज यूज व्हेन यू वांट योर प्रॉमिस टू सक्सीड। रिजॉल्व का काम कम कम करेंगे जब हम चाहते हैं कि वो प्रॉमिस सक्सीड हो जाए, और रिजेक्ट का कब हम करेंगे जब हम चाहते हैं कि वो फेल हो जाए। सो इट्स नॉट लाइक कि हम चाहते ही हैं वो फेल हो जाए, इट्स जस्ट दैट कि हम वो चाहते हैं कि जो भी फेल होने पर रिजल्ट आए हमें वो रिजल्ट से मतलब है। ठीक है, सो दिस आर मेथड डेट टेक एन आर्ग्यूमेंट एज सीन बिलो। ठीक है, ये जो वो मेथड है देख सकते हैं आप एग्जांपल जिसमें मतलब कि कैसे इसको यूज किया गया है। जैसे कॉन्स्ट माय प्रॉमिस डिक्लेयर किया था हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब यहां पे इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एरो फंक्शन के अंदर इफ इफ कह रहा है कि अगर जो कंडीशन है यहां पे, अगर क्या बोलते हैं जो भी कंडीशन होगी अगर ट्रू होगी तो रिजॉल्व प्रॉमिस वॉज फुलफिल्ड। ठीक है, प्रॉमिस फुलफिल हो गया, एल्स नहीं हुआ तो रिजेक्ट रिजेक्ट वाला दे देना है आर्गुमेंट और बता देना है कि प्रॉमिस वॉज रिजेक्टेड। ठीक है, द एग्जाम्पल अबव यूजेस द स्ट्रिंग फॉर द आर्गुमेंट ऑफ दिस फंक्शन। ये जो ऊपर वाले क्या बोलते हैं एग्जाम्पल में क्या किया है, इन्होंने स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, एज एज द आर्गुमेंट फॉर द फंक्शन, बट इट कैन बी एनी थिंग, ऑफन इट माइट बी एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं, दैट यू वुड यूज डेटा फ्रॉम, जिससे हम डेटा यूज करेंगे टू पुट ऑन योर वेबसाइट और एल्सवेयर। ठीक है, ताकि हम उसे वेबसाइट में या कहीं और पुट कर सके। सो कहीं और का मतलब है एप्स हो गया या फिर वेब एप्स हो गए, कहीं पे भी। ठीक है, सो अब क्या है, मेक द प्रॉमिस हैंडल सक्सेस एंड फेलियर। यहाँ पे बोल रहा है ये जो हमने मेक सर्वर रिक्वेस्ट बनाया था पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखा होगा तो इधर आई बटन में शो हो जाएगा, देख लेना आप। सो मतलब या तो पहले मैंने शो कर दिया होगा। ठीक है, सो मेक द प्रॉमिस हैंडल सक्सेस एंड फेलियर इफ रिस्पॉन्स सर्वर इज ट्रू। अगर रिस्पॉन्स सर्वर ट्रू होगा, जैसे कि ये ट्रू होगा तो क्या करना है हमें, वी गॉट द डेटा। ठीक है, तो हमें करना है जैसे यहाँ पे आ जाएगा लेट रिस्पॉन्स। ओके, सो लेट मी सी इसको कैसे हम करेंगे कि इफ रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, अच्छा रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर जो भी है यहाँ पे पास हो जाएगा ना, सो ट्रू होगा। तो हमें क्या करना है, रिजॉल्व, लेट मी सी अगर ये वर्क करता है तो रिजॉल्व कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस लाइन को चेंज करने बोल रहे, और यहाँ पे क्या बोलना है हमें डाल देना है, वी गॉट द डेटा। ठीक है, ये हो गया, और अगर ये फॉल नहीं हुआ मतलब सही नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर देना है, डेटा नॉट रिसीव्ड, RECEIVED। ठीक है, तो कंडीशन यहां पे सिर्फ हमने कंडीशन डिफाइन कर दी थी, RECEIVED। लेट्स चेक टेस्ट पास होता है। सो टेस्ट पास हो चुका है हमारा, सिंपल हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप रिजॉल्व और रिजेक्ट से हमने आर्गुमेंट से जो भी डेटा मेक सर्वर रिक्वेस्ट की थी उससे हमें ये या तो ये आएगा, अगर रिस्पॉन्स टाइम ट्रू हो जाएगा तब तो हमें पता चल जाएगा अच्छा हमें डेटा मिल चुका है, अगर यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा तो यहाँ पे बोल देगा डेटा हमें नहीं मिला। ठीक है, तो टेस्ट तो पास हो चुका है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और शायद दो या तीन ही वीडियोस रह गई है तो ES6 का मॉड्यूल हमारा बेसिक्स हमारा स्टार्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में जंप करेंगे। सो कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।